पंजाब में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। वबा के खिलाफ पूरी कौम ने मिलकर किरदार अदा किया। माजी की हुकूमतों ने सेहत के हवाले से कुछ नहीं किया। हुकूमत का फोकस सिर्फ सेहत पर मरकूज है। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की उस्मान डार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। आज अगर कोविड में कमी आई है तो ये अल्लाह की खास मेहरबानी है पाकिस्तान पे, और हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब का फोकस जो है वो सेहत, और खास तौर पे जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल बंदा है सोसाइटी का, वो एक माँ और बच्चा, जिसके बारे में खान साहब ने पहले दिन ही ये कही थी अपनी तकरीर में कि हम इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें देंगे। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त पंजाब के अंदर इंशाल्लाह इस साल के अंदर अंदर 7 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी तामीर शुरू होगी। लाहौर के अंदर और मियांवाली में ऑलरेडी शुरू हो चुकी, बाकी 5 की इंशाल्लाह इस साल में शुरू होगी, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट अपना डाल रही है। यानी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी सपोर्ट आ रही है, और ये अस्पताल उन इलाकों में बन रहे हैं जिनकी तरफ आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। माजी की हुकूमतें जो 35 साल पंजाब में इन्होंने हुकूमत की, और वो सेहत के दावेदार थे कि हमने सेहत पे काम किया। सियालकोट में एक भी वेंटिलेटर बेड नहीं था डॉक्टर साहिबा, एक वेंटिलेटर बेड भी नहीं था वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आज सियालकोट इलामा इकबाल हॉस्पिटल में 48 वेंटिलेटर हैं। 48